का जो टॉपिक होगा वो होगा लवण तथा लवण जलीकरण, ठीक है। लवण तथा लवण जलीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे बात नहीं है बिल्कुल भी। सॉल्ट एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्लियर। तो आज डिस्कशन होगा सॉल्ट एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखिएगा सॉल्ट क्या होता है, लवण क्या होता है, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ करते हैं, ठीक है, एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तो उस कंडीशन पर क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये बात समझ में आ गई है कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, कोई भी सॉल्ट हो रहा है, वो बेसिकली कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, यानी कि प्रबल होता है। प्रबल मतलब पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाता है आयन्स, क्लियर है। तो कोई भी सॉल्ट होता है, जैसे वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, यानी कि एसिड वीक हो सकता है, बेस वीक हो सकता है, लेकिन सॉल्ट कभी वीक नहीं होता, सॉल्ट हमेशा कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में यानी इस पॉइंट पर हमें क्या पढ़ना होगा, इस पॉइंट पर हमें पढ़ना होगा कि सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सॉल्ट कैसा है, किस टाइप का सॉल्ट है वो हमें जानना होगा। और दूसरी बात यहां पर ये जानना होगा कि सॉल्ट की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब जलीकरण, मतलब जल में डाला जाएगा, वाटर में डाला जाएगा, तो उस कंडीशन पर वो किस तरीके का व्यवहार करता है। और तीसरी स्थिति जो यहां पर हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, क्या, पीएच ज्ञात करना। तीसरा हमें सीखना है कि पीएच कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो इसको मैं केस नंबर शायद मेरे हिसाब से 9 नंबर हो चुके हैं पहले, है ना, 9 हो गए कि 10 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए। इसका मतलब ये जो केस निकल के आएगा वो कौन सा हो जाएगा, केस नंबर 11, ठीक है। तो 11th, 10 हो गए ना, तो 11th जो है केस है वो यहां पर आएगा। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं लवण के निर्माण की, बात करते हैं फॉर्मेशन की, बात करते हैं कि लवण का जो निर्माण होता है वो बेसिकली कैसे हो सकता है, क्या तरीका है। तो देखो लवण के निर्माण जो होते हैं वो चार तरीके से हो सकते हैं, चार प्रकार से लवण बनाया जा सकता है। पहला, स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या कर दे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डाल दे, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, NaOH को किसके साथ रिएक्शन कर दे, HCl के साथ, सिंपल सा एग्जांपल है। क्या बनेगा यहाँ पर, NaCl बनेगा प्लस क्या बनेगा, H2O। जैसा कि आपको पता है NaOH कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, HCl कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ डाल दे, वीक बेस दुर्बल क्षार। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेता हूं सपोज HCl हो गया आपके पास में, ठीक है, और वीक बेस मान लेता हूं क्या हो जाएगा, NH4OH ले लेते हो, है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, NH4Cl प्लस H2O, ये हो गया दूसरा केस। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है वीक एसिड ले ले, स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। तो वीक एसिड हो गया, तो वीक एसिड मतलब CH3COH ले लेता हूँ चलो मैं यहाँ पर, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब मान लेता हूँ NaOH ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये NaOH अपन ने ले लिया, क्या बन जाएगा आपका, CH3COONa बन जाएगा, क्लियर हो गया, CH3COONa प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये कंडीशन समझ में आ गई, थर्ड एग्जाम्पल समझ में आ गया। फोर्थ केस क्या बन सकता है, फोर्थ बन सकता है कि दोनों ही वीक ले लो, वीक एसिड ले लो और दोनों वीक बेस ले लो। तो यहाँ क्या कंडीशन हो सकती है, CH3COH ये ले लिया प्लस यहाँ पर ले लो आप NH4OH, सही दिख रहे हैं, कोई डाउट यहाँ पर, ठीक है, NH4 दोनों ही कैसे है, दुर्बल है ना, दोनों दुर्बल, और दोनों दुर्बल है तो दोनों दुर्बलों को मिला लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3COONH4 प्लस क्या बन जाएगा, बोलो बच्चों क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस कंडीशंस पर हमें कितने प्रकार के लवण मिल रहे हैं, देखो एक ये लवण मिला हमें, एक हमें ये लवण मिल गया, एक हमें ये लवण मिल गया, एक हमें ये लवण, लेकिन चारों लवणों का जो निर्माण हो रहा है, यानी चारों जो सॉल्ट है डिफरेंट टाइप के सॉल्ट है, और ये सभी जो सॉल्ट है इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, वो अलग अलग तरीके से, लेकिन खासियत ये है कि फॉर्मेशन किसी भी तरीके से हो, यानी कि सॉल्ट कोई भी हो,
किसी भी टाइप का सॉल्ट हो वो 100% कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग ही होगा। क्लियर हो गया, यानी कि इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्लियर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटेगरी में खड़ा किया जाता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि इसको हम कंप्लीटली आयंस में तोड़ सकते हैं। यहां तक समझ में आता है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट क्या बनता है या क्वेश्चन क्या बनता है या क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत होती है सबसे पहली कंडीशन में कि आपको सॉल्ट दे दिया जाएगा, लवण दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसकी हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी। क्या कहा मैंने, एक सॉल्ट आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, है ना, दो तीन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर ले रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी। यहां पर हम लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, ठीक है, ये पहले पहचानना है। क्लियर, हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं, ठीक है। चलो बात करते हैं सॉल्ट पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी सॉल्ट है, मान लेते हैं ए बी सॉल्ट है हमारे पास में, और इसको अगर हमने वाटर में डाल दिया, अब सॉल्ट है तो सॉल्ट में क्या होगा, आयंस होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। क्लियर है, सबको पता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होगा, एक एच प्लस होगा और एक क्या होगा, ओ एच माइनस होगा। तो अब क्या होगा जरा मुझे बताओ, एच प्लस माइनस के साथ, यानी एक प्लस माइनस के साथ जाएगा, वो माइनस वो प्लस के साथ जाएगा, तो प्लस माइनस बनेगा और ये बनेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए ओ एच बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, बी एच या एच बी जो भी आप लिखना चाहे वो बन जाएगा, ठीक है, यानी एक बेस बनेगा और एक एसिड बनेगा। यहां तक समझ में आ गया। अब पॉइंट यहां पर ये है कि अगर किसी भी सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस अगर होगी तो उसकी एक बेसिक कंडीशन ये है कि जो भी एसिड या बेस बनेगा, मैं आज जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो भी एसिड या बेस बनेगा उसमें कम से कम ठीक है, एक जो होगा वो वीक होना चाहिए, होना चाहिए। क्या बात मैंने बोली, एक वीक होना चाहिए। अगर दोनों वीक है तब भी बढ़िया बात है, दोनों वीक है तब भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर एक भी वीक है, चाहे वो एसिड हो और चाहे वो बेस हो, तो हाइड्रोलिसिस हो। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अगर दोनों स्ट्रांग है, अगर मान लेते हैं अगर ऐसी कहीं कंडीशन आ गई, आप बना रहे हो हाइड्रोलिसिस और दोनों स्ट्रांग है, अगर दोनों स्ट्रांग है ठीक है, तो इस कंडीशन पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा करना क्या है, चेक करना है आपको, वाटर में डाल के आपको चेक करना है, आयंस में तोड़ना है, H प्लस OH माइनस आयन लगाना है और चेक कर लेना है कि दोनों स्ट्रांग है। अगर दोनों स्ट्रांग है तो हाइड्रोलिसिस आप बोलोगे नहीं होगी, ठीक है, वो रिवर्स हो जाएगा, तुरंत रिवर्स होकर दोबारा सॉल्ट बना लेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक वीक हो गया तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोलिसिस करेगा। समझ गए बात को, जैसे मैं एक छोटा अभी एग्जांपल करूंगा, मैं इस पर एक छोटा सा एग्जांपल पहले ले रहा हूं। जैसे मान लेता हूं आपके सामने NaCl है, अब सोच के बता दो आप NaCl की हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी, ये बता दो NaCl हाइड्रोलिसिस करेगा कि नहीं करेगा। पानी में डालोगे क्या बनेगा, NaOH प्लस HCl बनेगा, आया ना, क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या बनेगा, NaOH प्लस HCl। अरे बहुत सिंपल सा है यार, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होगी, तुरंत ही क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैंने यहां लिख दिया CH3, यहां लिख दिया मैंने, इस जगह पर अगर मैंने लिख दिया CH3COONA, अब बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH3COOH प्लस क्या हो जाएगा, NaOH। क्लियर है, समझ में आ गया, ये कैसा हो गया आपका, ये कैसा हो गया, तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। पहचान लोगे, पहला काम खत्म, करना क्या है, क्वेश्चन देखना,
चारों ऑप्शंस चेक करना, ठीक है, सबको क्या करना, वाटर के साथ डिजोल्व कर लेना, हाइड्रोलिसिस कर लेना, मनी मन में करना है, कर लिया और मनी मन में समझ लेना है इसका आंसर ये होगा, और फिर मनी मन में आंसर नहीं लगाना है, हाँ नहीं मनी मन में लगा के चले आ गए बेटा, फिर भरना है आंसर लगाना है ना, हाँ ठीक है। कुछ काम मन में किए जाते हैं, कुछ काम मन से नहीं किए जाते, जैसे अभी तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, बेमन हो है ना, लेकिन करना पड़ता है कि नहीं, और अभी खाना रखा हो बढ़िया सा, थाली सजी हुई हो ठीक है, और लेकिन सामने वाले ने स्टार्ट ही नहीं किया हो कि नहीं अभी रुक जाओ मुहूर्त आने दो तब खाना है, और उस समय क्या होता है, मन हो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो वही स्थिति है। चलो फिलहाल ये समझ में आ गया, चलो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा आयन हाइड्रोलिसिस करेगा, कौन सा आयन जलीकरण करेगा, ये सेकंड क्वेश्चन आता है। एक शब्द होता है धनायनिक जलीकरण, एक होता है ऋणायनिक जलीकरण। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन धनायनिक जलीकरण प्रदर्शित करता है, कौन सा ऋणायन, यानी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और एनायनिक हाइड्रोलिसिस मैं कहना चाह रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि पूछा जाता है कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कौन करेगा या एनायनिक हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, ये क्वेश्चन आता है। इसका भी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज, सुन लेना, अगर सॉल्ट में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, OH की, तो क्या बना देगा यहां पर AOH, AOH बना देगा तो इसका मतलब क्या बनाएगा, बेस, OH है तो क्या बनेगा, बेस बनेगा, क्लियर है। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज वीक बेस बनाता है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज वीक बेस बनाता है, क्लियर है, तो वीक बेस अगर बनाता है तो वो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। क्या कहा मैंने, पॉजिटिव चार्ज, जिसका भी पॉजिटिव चार्ज अगर वीक बेस बनाता है तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, समझ में आ गया, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल समझ जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। एग्जांपल से NH4Cl दिख रहा, NH4Cl दिखा, क्या करोगे, वाटर में डालोगे इसको, हाइड्रोलिसिस करोगे, करोगे ना हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आ रही बात समझ में, अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया तो यहां से H और OH लगेगा, तो यहां क्या बनेगा बच्चों, NH4OH, यहां क्या बनेगा, HCl, समझ में आ गया। अब NH4OH है तो यहां क्या हो गया आपका, वीक बेस आया ना, ये हो जाएगा आपका वीक बेस, ठीक है, ये वीक बेस हो गया, ये कैसा, ये स्ट्रांग हो जाए, हो जाने तो कोई मतलब नहीं, हमें तो क्या पकड़ना है, वीक पकड़ना है, वीक बेस, वीक बेस किसके थ्रू हुआ है, पॉजिटिव, तो हाइड्रोलिसिस कौन सी होगी, कैटायनिक। अरे बस ठीक है, अब सेकंड क्या होगा, सेकंड समझ गए होगे, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होगा, बोलो बच्चों बोलो, यानी कोई एनायन जो होगा, एनायन, एनायन जो होगा वो ही काम करेगा, ठीक है, तो एनायन ले लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं एनायन कौन सा होता है, कैटायन पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन सा हो गया, बी माइनस, बी माइनस होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, करेगा, क्लियर है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करेगा तो एच यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा, एच बी बनेगा, बनेगा एच बी, कैसा होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहाँ कौन सा है, वीक बेस, यहाँ कौन सा है, वीक, आ रही बात समझ में, अगर वीक एसिड हो रहा है तो फिर हाइड्रोलिसिस कौन सी होगी, क्लियर है। और अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि दोनों सॉल्ट में दोनों वीक एसिड वीक बेस दोनों बना दे तो क्या होगा, तो फिर हो जाएगा बोथ, तो क्या हो जाएगा, आगे बात समझ में, कैटायनिक और एनायनिक अगर दोनों है, मतलब कैटायनिक में भी वीक बना ले और एनायनिक भी वीक बना ले, तो फिर वहां पर हो जाएगा बोथ, आ रही बात समझ में, और कोई भी वीक ना हो तो हाइड्रोलिसिस। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक, पक्का समझ में आ गया, चलो ठीक है, नोट करो फिर क्वेश्चन देता हूं। तो क्वेश्चन लिखो एक, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, निम्न में से किसमें जलीकरण होता है, जलीकरण है,
उनमें से किसमें जलीकण है पहला ये बताना है, तथा कौन सा है इसमें जलीकण है, तथा कौन सा आयन जलीकण करता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कौन जलीकण प्रदर्शित करता है, मतलब किसमें जलीकण है और कौन सा आयन है ना, कौन सा आयन, मतलब समझ गए ना, कैटायनिक कैटायनिक एनायनिक जो भी आप पूछना चाहो। तो चलो क्वेश्चन लिख रहा हूं फटाफट। चलिए सॉल्व करिए। चलिए देखिए भाई साथ में हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या बनेगा NaOH प्लस HCl। तो आप मुझे बताओ ये वीक मिल गया, वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो बेटा आना ही पड़ेगा, कौन स्ट्रॉन्ग होता है कौन वीक होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और ये कैसा हो गया, वीक एसिड, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो एक बार मुझे बताओ कौन सी हाइड्रोलिसिस हो रही है, कैटायनिक या एनायनिक। एनायनिक, यहाँ देखो माइनस है तो इसका मतलब मैं यहाँ निगेटिव लिख दे रहा हूँ, मतलब निगेटिव का मतलब एनायनिक। अब समझ में आ गया, चलो यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या होगा, वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे, क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा BaOH का होल ट्वाइस, होगा कि नहीं होगा, प्लस क्या होगा HCN, HCN होगा कि नहीं होगा। तो ये कैसा हो गया, वीक एसिड ये भी हो गया, और ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, होता ही नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहाँ पर ये माइनस हो गया, माइनस हो गया तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा, निगेटिव। क्लियर है, ये भी कैसा होगा, निगेटिव, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर देख लो यहाँ क्या कंडीशन होगी, बताओ CH3COOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये कैसा होता है CH3COOH, वीक एसिड,
और ये कैसा होता है? वीक बेस होता है, होता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? बोथ। तो हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, बोथ होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहां देखो, यहां क्या होगा? BaNO3 का ओल्ड ट्वाइस है, यहां क्या हो गया? BaOH का ओल्ड ट्वाइस हो गया प्लस HNO3 हो गया, ठीक है। दोनों ही स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग है, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? कोई किसी को कोई कोई दिक्कत परेशानी समझने में? क्लियर है? नेक्स्ट CA3PO4 होल ट्वाइस, बताओ क्या करे, क्या बनेगा यहाँ? CaOH का होल ट्वाइस बनेगा प्लस H3PO4। H3PO4 कैसा होता है? वीक एसिड। अरे H3PO4 कैसा होता है? वीक एसिड होता है। और ये कैसा होता है? वीक बेस। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी? होगी। और कैसा होगा? आ गया NaNO3, NaNO3 वाटर में डालो क्या होगा यहाँ पर? NaOH प्लस HNO3, आया ना? दोनों स्ट्रॉन्ग है, नहीं होगा। आ रहा है समझ में? NaNO2 हाइड्रोलिसिस, NaNO2 क्या बनेगा? NaOH प्लस HNO2। HNO2 कैसा होता है? वीक एसिड। HNO2 कैसा होता है? वीक एसिड। HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग। HNO2 कैसा होता है? वीक एसिड होता है। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। समझे? क्लियर है? तो HNO2 होता है वीक एसिड, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा यहां पर हाइड्रोलिसिस कैसी होगी? NaNA। क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। नेक्स्ट यहां पर आ जाओ, ये क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या बनेगा? HNO3, आया ना? HNO3 बन जाएगा। HNO3 कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसा होता है? वीक बेस, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। और ये कैसा होगा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। हो गया AlCl3, AlOH का होल ट्वाइस, आया ना? AlOH का होल ट्वाइस प्लस क्या हो गया? HCl, HCl हो गया। ये कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो यहां पर हाइड्रोलिसिस होगी, सीख रहे हो? कोई डाउट यहां तक? आगे चलते हैं। नेक्स्ट NaNO2 बताओ हो जाएगा, बोलो समझ में आ गया? NaOH प्लस क्या हो गया? HNO2। क्लियर? यहां पर क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। यहां क्या हो जाएगा? वीक एसिड। होगा कि नहीं होगा? यहां बताओ होगा HCOH। अच्छा ये कौन सी हाइड्रोलिसिस होगी यहां पर? निगेटिव, मतलब कैटायन के एनायन, एनायन होगा, ये एनायन हो जाएगा। यहां देखो यहां प्लस हो गया और यहां माइनस, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? तो यहां पर हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां क्या कंडीशन हो जाएगी? HCOH है ना प्लस NaOH, ये तो हो ही जाएगा ना? तो कौन सा होगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। यहां बताओ NaOH प्लस H2CO3 क्या बन रहा है? NaOH प्लस H2CO3। बेटा H2CO3 कैसा होता है? वीक एसिड। ये कैसा होता है? वीक एसिड होता है कि नहीं होता? ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि नहीं? तो ये हाइड्रोलिसिस होगी, होगी होगी, सॉरी यहां पर हाइड्रोलिसिस होगी। क्लियर? तो ये हाइड्रोलिसिस होगी। और कौन सी हाइड्रोलिसिस होगी बताना जरा, ठीक है? क्लियर है? ये हो जाएगी BaCO3, बताओ BOH का होल ट्वाइस होगा, होगा कि नहीं होगा? प्लस क्या हो जाएगा? H2CO3 हो जाएगी ना हाइड्रोलिसिस? हो जाएगी। कौन सी होगी? नेगेटिव वाली हो जाएगी। और यहां पर क्या होगा? Na3PO4 में बताओ। अरे डालो भाई, क्या पानी, NaOH प्लस H3PO4 हुआ कि नहीं हुआ? और H3PO4 क्या होता है? वीक एसिड होता है, वीक एसिड। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। और कौन सी होगी? एनायनिक। क्लियर हो गया? कर लोगे क्वेश्चंस? उस क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं एग्जाम में, सीधे सीधे पूछे आएगा कि हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी। नंबर वन कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, ये पूछेगा, ठीक है? चलो आगे चलते, नोट करना है।
हो गया, चले आगे। चलो अब बात करते हैं पीएच के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हेडिंग पीएच ज्ञात करना, पीएच ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो यहां पर पीएच ज्ञात करने से पहले कुछ बिंदुओं पर और ध्यान देंगे, कुछ और चीजें यहां पर सीखेंगे, क्योंकि यहां पर बात चल रही है जलीकरण की, बात चल रही है हाइड्रोलिसिस की, सुनिएगा इस बात को। तो यहां पर एक दो बातें और आपको सीखनी है। यहां पर बात चल रही है हाइड्रोलिसिस जलीकरण की, तो यहां पर एक टर्म होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जलीकरण नियतांक, जिसको हम लोग बोलते हैं केएच। पहले तो ये जानना है आपको जरूरी, केएच कुछ बातें आपको पहले जाननी है। केएच, के अपन ने पढ़ा है, के बी अपन ने पढ़ा है, केएच भी पढ़ेंगे। एच का मतलब हाइड्रोलिसिस, पहली चीज। और दूसरी एक और चीज यहां पर सीखनी होगी, दैट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने सीखा है ना, वियोजन की मात्रा सीखी है, वियोजन की दर सीखी है, ठीक है। यहां पर जलीकरण की दर या जलीकरण की मात्रा, और वो होती है H, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक ध्यान रखना है KH और एक ध्यान रखना है H। बाकी KA के बारे में तो आपको KA मिलेगा, जानते ही हो, इसके बारे में डिस्कस ज्यादा करेंगे नहीं, कर ही चुके। KB के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है। यहां पर C टर्म और यूज किया जाता है, सी होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, यानी कि जो भी लवण है उसकी सांद्रता, ये सी का और यहां पर यूज किया जाता है। तो ये कुछ टर्म है जिसको अपने अपने यूज करने वाले हैं, के ए, के बी, सी, और अल्फा तो आप जानते ही हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पर आपको सीखना है। चलो तो अब मैं यहां पर आपको पहले फॉर्मूले लिखाऊंगा, बाद में मैं इसकी प्रूविंग को बताऊंगा। पहले फॉर्मूले देखिए, सबसे पहली चीज, एक एक कंडीशन लेके आ रहा हूं, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है वो दिमाग में रखनी है। देखो पहली चीज ये है कि अगर आपके पास सॉल्ट जो बना है वो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। कोई सॉल्ट बना है वो कैसे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ठीक है, क्लियर है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। और हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो क्या KH होगा वहां पर, नहीं होगा। अरे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग NaCl है, है जलीकरण कर पाओगे क्या वहां पर, आस नहीं, जलीकरण नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और जलीकरण नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, वहां पर अगर हम देखें KH होगा, नहीं होगा, H होगा, नहीं होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है, के ए होगा, नहीं होगा, के बी होगा, नहीं होगा, अल्फा होगा, नहीं होगा, जब स्ट्रॉन्ग है कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है ये उदासीन, समझ गए। तो विलयन का व्यवहार कैसा हो जाएगा, उदासीन, और इलयन का व्यवहार अगर उदासीन हो गया तो पीएच बराबर पीओएच बराबर सात। पहली बात तो ये दिमाग में रख, नंबर एक केस। ऐसा लवण जो कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना हुआ है, ऐसा लवण जो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना हुआ है वो उदासीन ही होगा। और उस जगह पर अगर हम आपसे पूछे कि पीएच क्या होगा तो आप सीधे सीधे जवाब दोगे सात होगा। केएच ज्ञात नहीं कर सकते, एच ज्ञात नहीं कर सकते, के होता नहीं, के बी क्लियर हो गया। ये रहा पहला पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड, अब अगर आपके पास में कहीं पर आता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, यानी कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से अगर कोई लवण बना हुआ है, तो पहली बात यह बताओ अगर ऐसा कोई लवण बना हुआ है, एग्जाम्पल लेता हूं, कौन सा ले लूं, CH3, यही सबसे ज्यादा प्रचलित एग्जाम्पल है, CH3CONA, तो क्या बताओ इसके जलीकरण होगा कि नहीं होगा, होगा। कौन सा आयन जलीकरण करेगा, धनायन की ऋणायन, ऋणायन जलीकरण करेगा, ये बात समझ में आ गई है, जिससे दुर्बल बनता है वो जलीकरण करेगा, ठीक है। अब पॉइंट यहां उठता है कि अगर आपके पास में अगर हम देखें तो यहां क्या बन रहा है, CH3COOH बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है NaOH,
जो दुर्बल होता है उसका वियोजन स्थिरांक होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो दुर्बल होता है उसका वियोजन स्थिरांक होता है, जो दुर्बल होता है उसका वियोजन स्थिरांक होता है। दुर्बल कौन सा है? अम्ल। तो इसका मतलब इसका वियोजन स्थिरांक कितना होगा? ये बात समझ में आ गई है? अब फॉर्मूले देखो, कैसे फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं वो चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है? पहले फॉर्मूले दिमाग में रखेंगे, फिर बाद में उसका प्रूविंग की बात करेंगे। पहला, सबसे पहले तुमसे KH पूछा जाएगा, सबसे पहला इसके लिए KH पूछा जाएगा। KH ज्ञात करने का सबसे सिंपल तरीका है, KH इज इक्वल टू ऊपर डालना KW, हमेशा KH इक्वल टू ऊपर लिखना है KW, लिख दिया KW, फिर डिवाइड का निशान, फिर जो दुर्बल है उसका वियोजन स्थिरांक नीचे कर दो। क्या कहा? जो दुर्बल है उसका वियोजन स्थिरांक नीचे लिख दो। ये देखो आपके पास में आ गया, क्या कहा? KH इज इक्वल टू KW जानते हो 10^-14 वो है डिवाइड बाई KW। लो पहला फॉर्मूला कर लिया। नेक्स्ट नंबर सेकेंड, एक फॉर्मूला पढ़ा था KA इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? याद आ गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं, KA इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर पढ़ा था ना फॉर्मूला, ठीक है? अब सी के ए की जगह लिख दो KH, लिख दिया सी की जगह सी, अल्फा की जगह एच। ये रो दूसरा फॉर्मूला, KH इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है, जहां जो फॉर्मूला बोला है वही लगाना है, और जैसे बोल रहा हूं वैसे ही दिमाग में रखना है, ठीक है? पहला फॉर्मूला समझ में आ गया, KH इज इक्वल टू KW डिवाइड बाई KA। दूसरा क्या हो गया? KH इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर, दो बातें। तीसरी बात, एक बात मुझे बताओ, इसका विलयन का व्यवहार कैसा होगा? मुझे एक बात बताओ, इसके विलयन का व्यवहार कैसा होगा ये बता दो भैया। जो प्रबल होगा उसी के हिसाब से व्यवहार होगा, दुर्बल के हिसाब से तो व्यवहार होगा नहीं, प्रबल के हिसाब से व्यवहार होगा, और प्रबल के हिसाब से व्यवहार होगा तो ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब विलयन का व्यवहार कैसा होगा? क्षारीय। और विलयन का व्यवहार क्षारीय होगा तो पीएच का मान क्या होगा? 7 से ज्यादा कि 7 से कम? अभी बात समझ में, यानी कि यहां पर हो गया थर्ड पॉइंट, हो गया pH greater than आगे बात समझ में, pH greater than, ये हो गया। और चौथा जो अब फॉर्मूला मैं यहां लिखने जा रहा हूं, pH बराबर, पहले एक चीज दिमाग में रखो, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे, बना दिया, ठीक है? फिर दुर्बल वियोजन स्थिरांक किसका? इसका दुर्बल वियोजन स्थिरांक है यही हमारे पास में, इसका लिखेंगे pKa, लिख देंगे, प्लस कर देंगे log c, c मतलब किसकी सांता? इसकी c, सांता किसकी होगी? इसकी होगी, लवण की सांता होगी, समझ में आ गया? c किसकी सांता होगी, ठीक है? तो pKa प्लस log c बाई कितना हो गया? ये तो दिमाग में रखना है, दुर्बल प्लस सांता बटा दो, रख दिया। अब पीएच का मान 7 से ज्यादा चाहिए मुझे, क्या चाहिए? 7 से ज्यादा, तो आप एक काम करो 7 को प्लस करो, तो फॉर्मूला हो गया पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस पीके दुर्बल सी सांता बटा दो। अब समझ में आया, पीएच का मान 7 से ज्यादा ही होगा, 100% जब भी हल करोगे 7 से ज्यादा ही होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस पीके प्लस log c बाई 2। तो फॉर्मूला समझ में आया? पहले यहां से देखो, केएच इज इक्वल टू केडब्ल्यू के डिवाइड बाई के, केएच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर, पीएच का मान 7 से ज्यादा आ गया। किसके लिए है? दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार। चलो नेक्स्ट, अगला केस लेते हैं, चलो अगला केस बताते हैं। अब हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अब होशियार हो गए तुम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है? अब हम यहां कैसे लेके आ रहे हैं एग्जाम्पल, यहां लेके आ रहे हैं NH4Cl, ये आ गया। चलो NH4Cl की कहानी कर लेते हैं अपन लोग, यहां पर NH4Cl आ गया, समझ में आ गया? क्या बनाएगा ये तो आपको पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, क्या बनाएगा यहां पर? NH4OH, अरे हाँ है ना, प्लस HCl, ठीक है? यहां पर ये क्या हो गया? ये हो गया दुर्बल, तो इसका मतलब इसके लिए क्या आएगा? Kb, क्लियर है? तो फॉर्मूला लेके चले,
अब मुझे आप ही बताओ पहला फॉर्मूला के एच बराबर क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो, के डब्ल्यू डिवाइड बाई, वेरी गुड, के बी आ गया। क्यों के बी लिखा मैंने, क्योंकि दुर्बल शब्द पहला। दूसरा के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर, भाई सी अल्फा स्क्वायर था वहां पर, उसको कन्वर्ट कर दिया, क्या आ जाएगा सी एच स्क्वायर। थर्ड पीएच का मान बताओ, सात से ज्यादा कि सात से कम, ये हो गया तो सात से पीएच का मान सात से, फॉर्मूला बताओ, अब बताओ पीएच बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सेवन माइनस माइनस पी के बी, वेरी गुड, प्लस लॉग सी बाई, देखा हो गया ना फॉर्मूला याद, एक झटके में अपने आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है, पी के बी प्लस लॉग सी बाई, ये रहा तीसरा केस, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ कौन सा बन रहा है बेटा, फोर्थ बनेगा वीक एसिड वीक बेस, क्लियर है, ये बनेगा वीक एसिड वीक बेस, और वीक एसिड वीक बेस का एग्जांपल चलो ले लेते हैं अपन लोग, सी एस थ्री सी ओ एन एस फोर ले लिया, बताओ क्या बनेगा इसमें, दो बनेंगे, क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी ओ एच और एन एस फोर, क्लियर, ये क्या हो गया वीक बेस, ये क्या हो गया वीक बेस। अब देखो दोनों में क्या होगा, खासियत देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका भी मिलेगा और डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका भी मिलेगा, दोनों का क्लियर है, तो पहला फॉर्मूला उठाए, चलो भाई पहला फॉर्मूला बताओ के एच इज इक्वल टू, अब क्या तुम्हारा मन कर रहा है के डब्ल्यू ऊपर रहेगा, अब क्योंकि दो हो गए दोनों को लाओ, गुणा करना है, गुणा जोड़ना नहीं है, गुणा करना है, समझ में आ गया, पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज यहां पर एक और दिमाग में रखनी है कि अगर दोनों दुर्बल होते हैं तो सी टर्म जो होता है उसका प्रयोग नहीं होता, क्या रखना है, क्या रखना है, दोनों अगर दुर्बल होते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों होते हैं तो सी टर्म का प्रयोग नहीं करना, समझ में आ गया। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, के एच इज इक्वल टू सी हटा दो एच स्क्वायर, हो गया। तीसरा अब पीएच, अब यहां क्या पता कर पाएंगे कि अम्लीय है कि क्षारीय है, नहीं पता कर पाएंगे, नहीं पता कर पाएंगे, तो पहले पीएच बता देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे पता कर पाएंगे। पीएच इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी तोड़ गया सेवन प्लस पी के ए, ये फिक्स है, पी के बी बाई टू, सेवन प्लस पी के ए प्लस माइनस पी के बी, पी एच इज इक्वल टू सेवन प्लस पी के ए माइनस पी के बी बाई टू। अब सोचो, सोचो जरा यहां पर, सोचो जरा यहां पर कि अगर पी के ए का मान पी के बी से बड़ा होगा तो क्या होगा बताओ, पी के मान पी के बी से बड़ा होगा तो पी एच का मान सात से ज्यादा होगा, और सात से ज्यादा होगा तो इसका मतलब एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, बेसिक होगा, ये समझ में आ गया। पी के ए ग्रेटर देन पी के बी, सात से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये समझ में आया। अच्छा एक और चीज दिमाग में रखो कि पी के ए बराबर माइनस लॉग के ए होता है ना, तो उल्टा होगा, अगर ये ज्यादा है तो ये क्या होगा के ए कम होगा, इसका मतलब के ए लेस देन के बी, ये बेटा ध्यान रखना है। देखो आधो के तोते उड़ गए, पी के ए ग्रेटर देन पी के बी देन के ए लेस देन के बी, बेटा माइनस उल्टा, पी एच बड़ा होता है तो एच छोटा होता है, उल्टा होगा तो माइनस लगाया, तो यहां पर है के ए लेस देन, समझ में आया। अच्छा यानी कि जिसका के ए बड़ा होगा, जिसका के बी बड़ा होगा के ए से, तो पी एच ग्रेटर देन सेवन होगा, ठीक है, अब समझ में आ गया। दूसरा, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा पी के ए लेस देन पी के बी, बोलो हाँ या ना, इसका मतलब के ए लेस देन के ए ग्रेटर देन के बी, तो यहां क्या होगा पी एच लेस देन सेवन, कैसा होगा, अब समझ में आ गया। और तीसरा दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, हाँ यानी कि इसका मतलब ये उदासीन भी हो सकता है, ये
ये ध्यान रखना है, उदासीन भी हो सकता है। तो उदासीन होने की स्थिति समझ में आ रही। अच्छा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, पता है क्या कंफ्यूजन ये होता है कि सर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आप ले रहे हो, वहां तो आपने सीधे सीधे ठोक दिया कि सात होगा, उदासीन होगा। सर प्रबल अम्ल में भी अगर कोई ज्यादा प्रबल हो जाए, दिमाग है, एक थोड़ा सा कम प्रबल हो, तो बेटा ऐसी कोई डेफिनेशन दुनिया में नहीं है कि प्रबल में भी ये ज्यादा प्रबल है, ये थोड़ा सा कम प्रबल होगा, समझ में ना, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर किसी को बोल दिया प्रबल तो इसका मतलब वो प्रबल, समझ में आया कि नहीं है, अगर बोल दिया किसी को प्रबल तो इसका मतलब वो प्रबल। दुर्बल में है ऐसा, दुर्बल में ज्यादा दुर्बल और कम दुर्बल वाली कंडीशन हो सकती है। वो मान किस पर डिपेंड करता है, के के मान पर। प्रबल के लिए के का मान लेते ही नहीं है, दुर्बल के लिए के का मान होता है, तो के का मान कम और ज्यादा हो सकता है ना। अब समझ में आया कि नहीं, ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ये बात कर रहा हूं मैं जलीकरण के लिए, ये बात कर रहा हूं उसी टॉपिक के लिए। अब ये मत समझना कि सर दो हमने प्रबल अम्ल ले लिया और कहीं क्वेश्चन आ गया कि बताओ निम्न में से कौन अधिकतम प्रबल अम्ल है, तुमने नीचे लिख दिया सर ने बोला था कि प्रबल के लिए कोई डेफिनेशन नहीं होती है, दुर्बल के लिए होती है, समझ रहे हो ना, एनटी वाले घर आ जाएंगे, ये क्या पढ़ा दिया। ये यहाँ की बता रहा हूं मैं, यहाँ के लिए ध्यान रखना। वैसे तो प्रबल की एक टेबल होती है, समझ में आ रही बात, तो यहां पर ध्यान रखना है। तो यहाँ के भी बड़ा छोटा हो सकता है, ये चीजें हो सकती है, क्लियर। तो यहां पर सात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, किसका मान किससे बड़ा है, किसका मान किससे छोटा। लेकिन अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का मिश्रण अगर ले रहे, लवण ले रहे, तो वहां पर सात ही होगा, समझ में आ गया। दूसरा दिमाग में एक और बात आपकी आ जाती है, जो लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यार सर प्रबल जब ले रहे थे तो उसका आपने कहा जलीकरण नहीं होगा, लेकिन ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार में जलीकरण हो जाएगा, तो वो कहानी अलग है, वो पूर्ण वियोजन की बात है, वहां पूर्ण वियोजन हो रहा है, यहाँ पूर्ण वियोजन नहीं होगा, समझ में आ गया। तो यहां पर जलीकरण हो सकता है, वहां जलीकरण नहीं, समझ में आ गया, क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स, नोट करो फिर आगे बताओ।
तो फॉर्मूले की बात कर रहे थे, तो सारे फॉर्मूले हमने आपके सामने लिख दिए हैं, जो जो फॉर्मूले यहाँ पर हैं सॉल्ट के रिलेटेड। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो पीएच की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो गया, तो KH इज इक्वल टू KW डिवाइड बाई KB। मैंने क्या कहा है, जो वीक है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो वीक बेस हो गया तो यहाँ पर KB हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पर KH जिसको हमने क्या बोला था, जलीकरण स्थिरांक हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोला था। KH इज इक्वल टू कितना होगा, CH स्क्वायर, H क्या हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और pH इज इक्वल टू क्या होगा, एक चीज सोचने वाली है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, नेचर कैसा होगा सोल्यूशन का, एसिडिक होगा, और एसिडिक नेचर होगा तो इसका मतलब पीएच की वैल्यू क्या होगी, 7 से कम हो जाएगी, क्लियर है। तो 7 से ये कम हो गई तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीकेबी प्लस लॉग सी बाई 2। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि यहां पर वीक एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया तो के ए आ जाएगा, तो के एच इज इक्वल टू कितना आ गया, के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए। फॉर्मूला याद हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर, ये दोनों सेम रहेगा। मैंने क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया कि जो वीक है उसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट का डिवाइड करना है के डब्ल्यू से, क्लियर है, ऐसे याद करना है। और फिर पीएच की बात कर रहे हैं, तो पीएच के बारे में सोचने वाली बात है, तो यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि नेचर कैसा होगा, बेसिक, और नेचर अगर हो जाएगा बेसिक तो पीएच की वैल्यू 7 से ग्रेटर हो जाएगी, तो 7 प्लस पी के ए प्लस लॉग सी बाई 2। अगर दोनों ही वीक है, अगर दोनों ही वीक है तो फिर क्या होगा, सी हट जाएगा, सी मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, सी हट जाएगा, KH is equal to KW divided by K into KB हो जाएगा, KH is equal to H square हो जाएगा, pH is equal to 7 plus, ये fix होगा, PK minus PKB by 2। अगर PK PKB से बड़ा हो गया तो इसका मतलब 7 plus value बढ़ेगी, यानी कि basic nature हो जाएगा, और PKB बड़ा हो गया PKA से तो acidic nature हो जाएगा, ठीक है, clear हो गया। ये सारे formula जो है वो आपको दिमाग में रखते हैं, क्योंकि आपके पास जो questions बनने वाला है वो formula based ही बनेगा, समझ में आ गया। हाँ, मैं इसकी प्रूविंग जरूर बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन प्रूविंग पे भी आ जाता है, एक या दो बार ऐसा हुआ है कि प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन 99% अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन अधिकतर जो होते हैं फॉर्मूला बेस पर आते हैं, तो फॉर्मूला अगर दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं, 0.02 m, ये हमने एग्जाम्पल लिया CH3COOH, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, समझ लेना, 0.02 m CH3COONa हमने आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर Ka की वैल्यूज गिवन है, Ka मान लेता हूँ मैं, सिंपल वैल्यू ले लेता हूँ, चलो CH3COH की वैल्यू हमारे पास है 10^-5। अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखिए पहली चीज आपको KH कैलकुलेट करनी है और दूसरी चीज आपको PH कैलकुलेट करनी है, ठीक है बच्चों, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो ट्राई करेंगे क्वेश्चन, तो चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हाँ भैया, सॉल्व हो गया, फटाफट सॉल्व करो, इसे कंप्लीट करें आज। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन में, तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, सी की वैल्यू दे रखी है 0.02, ठीक है, के की वैल्यू हमें गिवन है, सबसे पहले के एच निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज ये जानना है, ये कौन सा है सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पकड़ आ रहा है, समझ में आ रहा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर है। और जब वीक एसिड होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए, तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 10^-14, के ए की वैल्यू कितनी हो गई, 10^-5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10^-9, पक्का, पहला काम कंप्लीट हो गया। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ बच्चों, पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस की माइनस प्लस, यहाँ कितना हो गया, पी के ए प्लस लॉग सी बाई 2, क्लियर है बच्चों, तो यहाँ कितना हो गया, 7 प्लस पी के ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5, लॉग सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लोगे यहाँ से, हैं भैया लॉग सी की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया, 2 × 10^-2, ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर दिया मैंने, लॉग 2 − 2 log 10, ठीक है, प्रैक्टिस जबरदस्त चाहिए, है ना, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30 − 2 − 1.70, है ना, 1.69 1.70 यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया, ठीक है भाई,
तो यहां पर ये आ गया माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस, और कितना हो जाएगा 1.70 डिवाइड बाय 2। ओवरऑल सॉल्व कर लोगे कितना आया आंसर 8.65। क्लियर है? तो आंसर इज 8.65। क्लियर हो गया? सब लोगों ने सॉल्व कर लिया? कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया, हाथ खड़ा करें। गुड, सबको समझ में आ गया अब, और जिनको नहीं समझ में आया अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.04 m NH4Cl, ठीक है, ये गिवन है, KB दे रखा है हमने NH4OH का। मैंने रफली आइडिया ले रहा हूं, सिंपल सी वैल्यू दे रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूं, एक सिंपल वैल्यू ले रहा हूं। पेपर में आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मैंने एक सिंपल वैल्यू ले ली है, 10^-6 ले लिया, देन KH कैलकुलेट करना है और PH कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करो फटाफट, स्पीड पकड़ो। तो चलिए सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले KH इज इक्वल टू KW डिवाइड बाई KB, ये फॉर्मूला लगाएंगे, 10^-14 डिवाइड बाई 10^-6, दैट्स मीन 10^-8, ठीक है। अच्छा, कभी क्वेश्चन में हो सकता है KB ना देके KA दे दे, और हमें जरूरत KB की हो रही है, सुनिएगा मेरी एक बात को, क्वेश्चन में KA की जगह KB या KB की जगह KA दे दे, ठीक है। तो इंटरचेंज करना है, ध्यान रखना कैसे, KA इंटू KB इक्वल टू 10^-14, क्लियर है? ये इंटरचेंज जरूर कर लेना वहां पे, है ना भाई। क्वेश्चन में कभी KA जरूरत है, KB दे रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल ये हो गया, अब देन आगे क्या करना है अपने को, पीएच हमें कैसा करना है, एसिडिक होगा सोल्यूशन, तो यहाँ क्या होगा 7- कितना हो जाएगा PKB यानी 6, और लॉक्सी निकाल लोगे कितना आया लॉक्सी 1. माइनस में, हाँ माइनस में आ रहा होगा 1.40, माइनस में ही आ रहा है ना, डिवाइड बाई कितना हो गया, कितना आया आंसर 4.65, ठीक है, वेरी गुड, आ गया समझ में, क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन दिया मैंने जो अभी लिखा है, एक और क्वेश्चन है, 0.04 m, एक बार फिर से देखते हैं, 0.02 m NH4 whole twice SO4, बात नहीं, ये NH4 whole twice SO4 हमने आपके सामने रखा है, क्लियर है। KB की वैल्यू वैसे ही दे रखी है हमने NH4OH की, 10^-6, और मैंने आपसे कहा व्हाट इज द pH। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने NH4Cl लिया हुआ था, और इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, NH4 का होल ट्राई SO4 लिया है, तो क्या दोनों सेम है, अलग अलग है, समझ में आया। अब क्या अलग है और कैसे सोचना है, बाकी सब आप लोग कर लोग सॉल्व कर लोगे। यहां पर C की वैल्यू कितनी होगी, बस ये ध्यान रखना है, C देखिए जो कंसंट्रेशन रखा जाता है बेसिकली सॉल्ट का रखा जाता है, पहली बात तो दिमाग में ही रखनी है, लेकिन हमेशा कंसंट्रेशन उसका रखा जाता है जिसका आयन इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, जिसका आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है, जिसका आयन जलीकृत हो रहा है, बात समझ में आ रही है। कंसंट्रेशन हमेशा उसका रखा जाएगा जिसका आयन जलीकृत हो रहा है, समझ में आ रहा है। एक बात मुझे बताओ, इन दोनों में किसका आयन जलीकृत हो रहा होगा, सल्फेट की एमोनियम आयन, कैटायन एनायन हाइड्रोलिसिस, अरे हाँ बताया था कैटायन हाइड्रोलिसिस और एनायन हाइड्रोलिसिस, तो किसका जलीकरण होगा, जिसका आयन दुर्बल बना रहा होगा, दुर्बल बना रहा होगा, यानी कि यहां पर क्या हो गया आपके पास में NH4 का होल ट्वाइस SO4, यहां क्या हो गया प्लस, यही तो बना रहा है ना वीक बेस, ये वीक बेस बना रहा होगा, इसका मतलब यहां पर सीधी सी बात है कि इसका आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है और इसका आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो इसके कितने आयन है हमारे पास में, दो है, तो इसका कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
आ गया समझ में, ये बात दिमाग में रखनी है। नहीं आया समझ में? कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई कब होगा? जिस आयन का क्या होगा? हाइड्रोलाइज होगा। आ रही बात समझ? अगर मान लेते हैं, मान लिया कि यहां पर स्ट्रांग होता और यहां वीक होता, वीक एक होता स्ट्रांग दो रहा, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, चलो मैं MgCl2 ये ले लिया मैंने, MgOH का होल ट्वाइस बनेगा और 2HCl बनेगा, तो Kb किसका दिया जाएगा? MgOH का। लेकिन Mg क्या हो गया यहां पर? एक ही तो है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। नहीं है समझ में? तो मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि MgOH का होल ट्वाइस बनेगा यहां पर। क्या Mg दो है क्या यहां पर? नहीं है, Mg तो एक ही है, तो एक ही है तो इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई। समझ में? जिस आयन का, वो आयन जिसका हाइड्रोलाइज हो रहा होगा, जिसका जलीकरण हो रहा होगा, वो कितने हैं वो चेक करते हैं। आ गया समझ में? गलती तो नहीं करोगे यहां पर? तो यहां पर गलती नहीं करना। तो यहां कितना हो गया? C की वैल्यू कितनी होगी? 0.04। अब आगे तो आप कहानी समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है, क्या लगाना है फॉर्मूला। pH इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगेगा? यहां पर आपके पास में Kb है, क्या होगा? 7 माइनस PKb प्लस, समझ गए कहानी? कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? ठीक है, तो ये रहा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करिए फिर आगे बता रहा हूं। अब चलो क्वेश्चंस के और रूप भी दिखाता हूं मैं आपके, क्वेश्चन किस टाइप के और बन सकते हैं। देखिए यहां तक तो मैंने क्या दिया, क्वेश्चन के अंदर आपको एक सॉल्ट दिख गया, लवण दिख गया, ठीक है, उस सॉल्ट के अकॉर्डिंग अपन ने काम किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सॉल्ट नहीं देते, एसिड और बेस दे देते। जैसे ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, इधर देख लो पहले आप, मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको, खुद समझ में आ जाएगा। एक HCl ले लिया और एक NaOH ले लिया, ठीक है, ये HCl और NaOH, ठीक। एक काम करते हैं, मैं इसके तीन क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, बड़े आराम समझिएगा और आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। HCl प्लस NaOH, ठीक है, तीन क्वेश्चन है ये, तीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। ये मत समझना कि एक ही को तीन बार लिख दिया, नहीं, ये तीन क्वेश्चन है। HCl NaOH HCl NaOH HCl NaOH। अब देखो क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या किया, इसके दो मोल लिए, इसके एक मोल लिया, ठीक है। दूसरे वाले में क्या लिया, इसके एक मोल लिया, इसका दो मोल लिया, और तीसरे वाले में क्या किया, दोनों के एक एक मोल लिया। मोल समझ गए, ये मोल की वैल्यू, इसके दो, इसके एक, इसके एक, इसके दो, इसके एक, इसके एक। अब रिएक्शन होगी, कंफर्म रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, NaCN बनेगा और क्या बनेगा, प्लस H2O बनेगा, आया ना। यहां भी क्या बनेगा, NaCN बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O, ठीक है। यहां भी क्या बनेगा, NaCN बनेगा और साथ में क्या बनेगा, बन गया, ठीक है भाई। अब आगे की कहानी कर लेते हैं, आगे की कहानी क्या है, इसके दो, इसके एक मोल है, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहां पर ये खत्म हो जाएगा बच्चों, एक बचेगा, सिंपल है। यहां क्या होगा, 1-1 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। यहां कितना बचेगा या बनेगा, 1, यहां 1, समझ में आ गया, कौन खत्म हो गया यहां पर, ठीक है। अगला देखो, 1-1 इक्वल टू कितना हो गया, यहां कितना हो गया, 2-1 कितना हो गया, यहां कितना हुआ, 1, यहां कौन खत्म हो रहा है, ठीक है। थर्ड में देखो क्या हो रहा है, दोनों खत्म हो रहा है, ये भी खत्म हो रहा है, ये भी खत्म हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे नहीं है ना, तीनों की शक्ल एक जैसी है, अभिक्रिया एक जैसी है, रिएक्शन एक जैसी है, लेकिन फैक्ट ये है कि तीनों क्वेश्चन एक जैसे नहीं है। अब कौन क्या है वो भी देख लो, देखो कौन क्या है वो भी देख लेते हैं कैसे। जैसे इधर देखो आप, यहां पर आपका ये NaOH खत्म हो गया, क्या बचा, HCl, यही तो बचा बच्चों, यहां HCN बचा, यहां क्या बना, याद आ रहा है कुछ, कुछ याद आ रहा है, HCN NaOH याद आ रहा है, किसको, बफर विलयन को, याद आया। तो यहां पर सूत्र कौन सा लगाया जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा, बफर सॉल्यूशन का, याद आ गया, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया, केवल NaCN बचा, NaOH बचा, क्लियर, H2O बचा। अब जब वीक ही खत्म हो गया तो बफर का तो सवाल ही खत्म हो गया, है ना,
और जब बफर का सवाल खत्म हो गया तो बचा क्या आपके पास में? NaOH, यानी कि इसका मतलब ये कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस वाली कंडीशन आ गई। हाँ या ना, ये भी आपको सिखाया मैंने कि सीधे OH माइनस आयन से कैलकुलेट कर लो। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अब यहां पर दोनों खत्म हो रहे हैं, ये भी खत्म हो रहा है, ये भी खत्म हो रहा है, सॉरी, क्लियर है, दोनों खत्म हो रहे हैं, है ना, दोनों खत्म हो गए। अब जो दोनों खत्म हो गए हैं, यानी कि HCN भी खत्म हो गया और क्या हो गया, NaOH भी खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गए, तो ये जो होती है ना, ये जो कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड द साल्ट हाइड्रोलिसिस। अब समझ में आया क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है, साल्ट हाइड्रोलिसिस। मतलब अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करें और दोनों खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मिक्सचर का नहीं है, वो क्वेश्चन एसिड बेस रिएक्शन का नहीं है, मिक्सचर का नहीं है, मिश्रण का नहीं है, वो है लवणजनीकरण का, साल्ट हाइड्रोलिसिस का। अब बात समझ में आ गई है, ये दोनों खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, सॉल्ट बच रहा है, क्लियर है, ये बच रहा है, दैट इज द साल्ट हाइड्रोलिसिस। अब समझ में आ गई बात। तो तीन क्वेश्चन, तीन शक्लें, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, तब पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे 0.2 SCOH की रिएक्शन की गई, 200 ml, यहां पर वॉल्यूम में ले लिया मैंने, 200 ml की रिएक्शन की गई है 0.1 NaOH, और यहां पर मैंने ले लिया है 200 ml। क्वेश्चन के अंदर उसी तरीके से Ka दे दिया गया है SCOH का, मैं रफली आइडिया ले रहा हूं जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 10^-5 आपसे पूछा गया है व्हाट इज द, ये रहा क्वेश्चन, गौर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके पास में SCOH है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, यही तो है ना, HCOH है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, वीक एसिड, ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो रिएक्शन देख लें यहां पर, तो रिएक्शन देख लेंगे SCOH, ठीक है, क्या देख लिया, SCOH प्लस NaOH क्या बन जाएगा बेटा, SCOONa बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, मिलीमोल निकाल लो, कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 40, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 200 कितना आ जाएगा, 40, याना यहाँ कितना हो जाएगा, एक मिनट, वैल्यू में कुछ और लिख रहा था, गड़बड़ हो गया, ओहो, क्लियर, अब सही है, अब फीलिंग आ गई होगी ना, यही वाला, ये आ गई, ठीक है, समझ में आ गया, 40 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 0, 0, क्लियर बेटा, खत्म, 40 - 40 = 0, 40 - 40 = ये कितना आ गया, समझ में, ये क्या आ गए, मिलीमोल आ गए, ये आ गए मिलीमोल। तो मुझे बताओ सॉल्ट कौन सा है, SCONa, तो एक बार मुझे बताओ इसका कंसंट्रेशन बताओ कितना हो गया, 40 / टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, बेटा वॉल्यूम से जरूर डिवाइड करना है, ये मिलीमोल है, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना है, दिस प्लस दिस दोनों को करना है, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 2/30, 1/15 सही है, 1/ आ गया सी, और सी आ गया मतलब ये क्या कहलाएगा, सी, और जब सी हो गया तब तो आगे कहानी तो आप समझ में आ गया, क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ, फॉर्मूला pH इज इक्वल टू क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक नेचर 7+, वेरी गुड, यानी क्या होगा 7+, यहाँ क्या होगा pKa + log C / अब तो आगे कहानी तो आप कर ही लोगे ना, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या था, किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट करना है, ये समझ में आ गया। कब ये करना है, जब दोनों एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें और दोनों खत्म हो जाए, कुछ भी दोनों में से ना बचे, ठीक है, चलो नोट करो फिर आगे बताओ। हाँ भाई कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्या तरीके हैं। अब चलो बात करते हैं प्रूविंग की, ठीक, ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे क्रिएट होता है, ये थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए।
तो चलो सब लोग इधर देखो। तो पहला केस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, फर्स्ट केस हम लोग लेके आ रहे हैं वो है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं। भाई बात क्यों कर रहे हो, इधर सुन लो ना, है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अगर हम बात करें तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर वही वाला एग्जांपल सबसे ज्यादा जो चलता है CH3COH, और यहाँ क्या होगा NaOH। ठीक है, रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3COONa+H2O। क्लियर है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं अगर आप चाहो तो, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ से Na हटा देता हूँ, है ना, यहाँ पर या एक काम कर लेता हूँ, रुकना एक मिनट, यहाँ पर NaOH लिख ही दे रहा हूँ और मैं इसको कुछ इस तरीके से हाइड्रोलाइज के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, जलीकरण के रूप में लिख दे रहा हूँ, तो जलीकरण के रूप में क्या होगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, एरो इधर बनाना पड़ेगा, है ना, एरो इधर बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ CH3COO- जिसका जिस आयन का हाइड्रोलाइज हो रहा है, जो आयन जलीकृत हो रहा है, मैं उसी को लिख रहा हूँ, +H2O हो गया, यहाँ तक ये लिख दिया, एरो यहाँ क्या हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा बेटा OH-। क्लियर, तो ये एक रिएक्शन हमारे पास में आ गया विदाउट, यहाँ पर क्लियर है, ये रिएक्शन हमारे पास में आ गया, रिवर्सिबल है, समझ में आ गया ना, हाँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, फिलहाल ये समझ में आ गया। ओके, दूसरी कंडीशन एक और ले रहा हूं मैं CH3COH का, मैं एक काम कर रहा हूँ CH3COH है इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर CH3CO- हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा H+ हो जाएगा। तो ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हो गया, वियोजन हो गया, ये वियोजन हो गया, तो इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा अपना ये हो गया, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अच्छा तीसरी चीज एक और ले लेता हूँ मैं, वाटर के लिए ले लेता हूँ, H2O का इलेक्ट्रोलाइज कर देता हूँ, तो H2O का क्या होगा H++OH- हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा KW, आया ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अच्छा इसको मैं ले लेता हूँ, दैट इज द KH, ये KH ले लिया, भाई हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट समझ में आ गया ना, KH, तो KH ये हो गया, KA ये हो गया, KW हो गया। अब तुम एक काम करो, ऐसा कुछ सेटलमेंट तैयार करो कि भाई इन दोनों रिएक्शनों से ये बना लें, मतलब तीनों रिएक्शनों को एक दूसरे रिलेट कर लेते हैं। तो मेन रिएक्शन तो हमारे पास ऊपर वाली है, ये दोनों रिएक्शन और है, अब जरा गौर से देखो कि अगर मुझे इन तीनों का रिलेशन निकालना है, KH, KW और K, इन तीनों का रिलेशन निकालना है, तो इन तीनों का रिलेशन कैसे निकालूंगा, सोच के देखो आप। अगर मैं फाइनल इसको KH बराबर ले लूं तो यहाँ पर CH3COH कहाँ है, राइट साइड में, यहाँ पर CH3COH कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो क्या कर दूंगा, इसको मैं रिवर्स कर दूं, ठीक है ना, इसको मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, रिवर्स कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा CH3CO- हो जाएगा, साथ में H+ हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। और अगर ऐसा कर दूंगा तो यहाँ कितना होगा 1/KH आ गया, अच्छा सॉरी के हाँ 1/K, ठीक है, तो यहां पर हो गया ये 1/K, ये पॉइंट समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट, अब वाटर के साथ क्या करूं, वाटर के साथ क्या करूं कि मामला ये बन जाए, तो वाटर एज इट इज है हमारा, कोई डाउट नहीं है यहां पर, इसको एज इट इज जोड़ दूं तो, है ना, तो यहां पर नीचे लिख दे रहा हूं H2O, यहां कितना हो जाएगा H++OH- हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो गया KW, और जब दोनों को ऐड करूंगा तो आप समझ गए होंगे क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है, क्या क्या कैंसिल आउट, H+ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा ना, इसका मतलब KH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा KW(1/K)। मैंने क्या कहा, जब भी दो रिएक्शनों को ऐड करते हो तो उनके कॉन्स्टेंट के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, गुणनफल हो जाता है ना, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा KW/K। बोलो कोई डाउट यहां तक, यही फॉर्मूला था क्या, यही चीज सिखाई थी मैंने कि अगर हमारे पास में वीक, जो भी वीक होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कर देंगे KW के नीचे, मतलब ऊपर KW लिखेंगे और नीचे डिसोसिएशन कांस्टेंट। बोलो यहां तक कोई डाउट है, कोई परेशानी, पहला काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, कोई डाउट यहां तक, पूछना है किसी को, समझ गए। नेक्स्ट, अब मुझे क्या निकालना है, KH और क्या निकालना है pH। अब KH और pH कैसे निकाला जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, चलो KH निकालते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे बताओ, ये देखो क्या हो रहा है,
यही तो हाइड्रोलिसिस हो रही है, इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ CH3COO- + H2O, ठीक है, क्लियर है। क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3COOH + OH-, हाँ है ना। कंसंट्रेशन C00 हो गया बेटा, वाटर को कभी नहीं लेना है, वाटर हमेशा कैसा होता है, एक्सेस में होता है, समझ में आ गया। तो ये रहेगा C00, यहाँ क्या होगा C1- H, H क्यों रखा, अरे यार जलीकरण हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसलिए अपन ने H रख दिया है। तो C1- α की जगह क्या रख दिया, H रख दिया, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा CH, यहाँ कितना हो गया CH। अब मुझे बताओ KH = यही KH ही होगा, ये होगा, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, CH × CH / C1 - H, क्लियर हो गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, KH = कितना आ गया CH² / कितना आ गया 1 - H। और मैंने आपको सिखाया है एच हमेशा एक से छोटा होगा, तो एच हमेशा एक से छोटा हो गया, तो 1 - H की जगह क्या हो जाएगा 1, यानी कि KH = CH। अब आया समझ में, ये रहा दूसरा फॉर्मूला, प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है, दो बातें होगी। चलो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट कौन सा, कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है। अब देखो पीएच कहां से कैलकुलेट करना है, ये देखो यहां क्या निकल के आया अपना OH-, और OH - ion = कितना हो गया, यहां से लेके चलो आप, यहां कितना हो गया OH - ion = कितना हो गया CH। अब H कितना हुआ, यहां से H निकालो, यहां से H निकालो बच्चों, यहां H = कितना हो जाएगा KH/C, तो H अंडर रूट कितना हो जाएगा यहां पर KH/C, अरे हाँ है ना KH/, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है KH/C, तो भैया लेके आए KH/C, यानी कि C × √ यहां पर हो जाएगा अपना KH/C, सी को अंदर ले गए C² नीचे कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट कितना आ गया KH × C। अच्छा KH = क्या होगा, क्या होगा KH = यही तो होगा KW/KA, यही तो है, क्लियर। तो यहां पर सॉल्व करें आगे, तो यहां कितना हो गया OH - ion = √ KH की जगह कितना हो गया KW / KW/ क्लियर। इसको मैं ऐसे लिख दूं KW / KA × C^(1/2) लिख दूं, आ गया कोई डाउट यहां तक। अब क्या बचा, अब क्या बचा, POH निकाल लूं यहां से, माइनस लॉग OH कर दूं मैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा POH = −log OH - ion। अब आप समझ गए होंगे यहां पर क्या करना है मुझे KW × C/KA, क्लियर। और ये कितना होगा 1/2। अब देखो यहां पर 1/2 आगे ले आओ, देख रहे हो आप 1/2 आगे ले गए, यहां कितना होगा −log KW − log C और प्लस, अरे भाई नीचे है के, नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +log KA, सही जा रहे हैं, ठीक है ओके। देन आगे चलो, यहां कितना हो गया 1/2 बेटा, ये कितना हो गया −log KW, KW की वैल्यू कितनी होती है 10^-14, 10^-14, यहां रखोगे तो 14 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 14 आ जाएगा यहाँ, 14/2 कितना आएगा 7, तो चाहो पहले तो मैं 14 ही लिख दे रहा हूं यहाँ, यहाँ कोई दिक्कत यहां तक, इसकी जगह कितना रख दिया मैंने PKW, या तो PKW लिख दो, −log KW की जगह क्या लिख दो PKW, PKW की वैल्यू कितनी होती है 14, ये 14 हो गया, −log C हो गया, ये हो गया, और log KA + log KA, log KA की वैल्यू कितनी होगी log KA = होगा −PKA, क्योंकि PKA = −log KA होता है, यहां पर कितना आ जाएगा −PKA आ जाएगा, यहां पर होगा −PKA, क्लियर। अब 10^2 का भाग दे दो, यहां 7 आ गया, आ गया, माइनस कॉमन ले लो, अरे माइनस कॉमन ले लिया, 7 आ गया माइनस कॉमन ले लिया, यहां कितना हो जाए PKA + log C, अब समझ में आया PKA + log C/2, ये रहा आपका फॉर्मूला। देखो यही फॉर्मूला था कि नहीं था, यही था, यानी क्या था 7 - PKA, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैंने अच्छा वहां पर सॉरी यहां पर मैंने कर दिया माइनस कर दिया,
ये क्या कर दिया, पीओएच का निकला है। किसका निकला है? ये बेसिकली पीओएच का निकला है। अरे पीओएच का निकला है 7 - pKa + logC/2। और अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम पीएच का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14- हो जाएगा। तो यहां पर अपने आप ही हो जाएगा 7+, 14 से करोगे 7+, यहां कितना हो गया pKa + logC/2। कोई डाउट, कोई परेशानी? ये रहा पहला फॉर्मूला, पहला प्रूविंग जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक हमने आपको बता दिया, इसमें हमने आपको बताया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब इसी पैटर्न पर यहां पर क्या होना चाहिए, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्या होगा यहां पर, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, NH4Cl आ जाएगा एज इट इज। मैं उसको नहीं बता रहा हूं, आप समझ लो, जहां एसिड है वहां बेस आ जाएगा, जहां बेस है वहां एसिड आ जाएगा, एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, और यहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगा, KH = KW / यहां क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, यहां पर उसी तरह से KH = CH² रहेगा, यहां पर CHCCONA की जगह क्या आ जाएगा, NH4+ आ जाएगा। ट्राई करना है आपको, ये अपने आप घर पे ट्राई करना है। क्या कहा है मैंने, जहां एसिड है वहां बेस आ जाएगा, बस इतना सा रहेगा, बाकी एज इट इज रहेगा, एज इट इज ये चीजें रहेंगी। और फाइनली अगर हम बात करेंगे तो यहां पर H+ आयन रहेगा, जब उसको सॉल्व करोगे तो वहां क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। तो OH की जगह क्या आएगा, H+ आ जाएगा। OH = यहाँ क्या मिले, H+ आयन = क्या मिलेगा, CH मिलेगा। C फिर H की वैल्यू यहां रख दोगे, जो रखना होगा KH/C वही रखा जाएगा। KH की जगह क्या आ जाएगा, KW / KB आ जाएगा, और एज इट इज फॉर्मूला बनेगा। कोई डाउट यहां तक? तो ये सेकेंड जो केस था वो कौन सा था, सेकेंड केस जो हमने लिया है वो कौन सा था आपके पास में, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। कर लोगे आप? चलो मैं आ रहा हूं तीसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट को डिस्कस कर ले रहा हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। तीसरा है हमारे पास में वीक एसिड वीक बेस। इसको देखो आप, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, अब वीक एसिड वीक बेस में एग्जाम्पल कौन सा होता है, वो होता है CH3CONH4, इसको देख ले, प्लस H2O। बताओ क्या होगा यहां पर, यहां क्या होगा, क्या टूटेगा, क्या बनेगा, वीक एसिड बनेगा, CH3COH बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, NH4OH बनेगा। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, कोई इश्यू नहीं है, अगर हो तो इसको मैं लिख दे रहा हूं कुछ, इसको मैं आयंस में तोड़ दे रहा हूं, तो मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख दे रहा हूं, CH3COO-, क्योंकि दोनों इस बार यूज हो रहे हैं इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि दोनों आयन इलेक्ट्रोलाइज हो रहे हैं, हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, सॉरी दोनों ही जो है जलीकृत हो रहे हैं, दोनों ही हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, दोनों आयन लिख दिया। अब आ गया समझ में? अब क्या करेंगे, अब वही रिएक्शन बनाएंगे। कौन सी रिएक्शन बनाएंगे, जो मैंने आपके सामने की, यानी कि CH3COH, याद आया, इलेक्ट्रोलाइज करो इसको, क्या बनेगा, CH3CO- और H+ आयन। बच्चा ये क्या हो गया, Ke हो गया। बस दूसरा NH4OH क्या होगा यहाँ पर, अब क्योंकि वो भी तो लेना है, ऐसे तो लेना है, तो NH4OH करोगे तो यहाँ क्या होगा, NH4+OH-, ये क्या होगा, Kb। और अब वाटर ले लेते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइज कर लो तो क्या हो जाएगा, H+ आयन हो गया, OH- आ गया, Kw। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो KH हो गया, है ना, समझ गए होगे बात को, ये हो गया KH, ये हो गया Ka, ये हो गया KB, ये हो गया KW। अब बताओ क्या रिलेट करें, कैसे रिलेट करें कि मामला बन जाए, बताओ बच्चों क्या करें भाई। सबसे पहली बात क्या है, ये इस देखो, यहां पर वाटर इधर है, ये वाटर इधर है कि नहीं है, तो ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नहीं, या एक काम कर लेते हैं, पहले इन तीनों को इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। एक बात मुझे बताओ, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट, अरे हो जाएगा ना, ऐड करें और पलट दें पूरा,
पूरा पलट दे, यानी कि यहां पर आप ऐसे समझो कि ए इंटू के बी का मल्टीप्लाई करो, कर दिया मल्टीप्लाई मतलब ऐड, रिएक्शन को ऐड करना है, ऐड करोगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए इंटू के बी, और क्योंकि आप देखो सी एस सी सी ओ माइनस किधर है, इधर, यहां किधर है, इधर, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्लियर हो गया, ये हो जाएगा, आ गया। अब जब ये इधर से इधर चला गया तो एच भी चला गया, ओ एच भी चला गया, और इधर यहां क्या लिखा है, राइट साइड में, तो फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करना पड़ेगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब यहां क्या होगा, नहीं आया समझ में, आ गया होगा, इन दोनों रिएक्शंस को रिवर्स कर दो, कर दिया रिवर्स, और रिवर्स करोगे तो वन अपॉन के बी, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो के इंटू के बी नीचे हो गया, और इसको उठा के ऐड करो तो जब तीनों रिएक्शनों को ऐड करोगे तो ऊपर वाली आ जाएगी, कोई डाउट यहां तक, यानी कि फाइनली जो यहां निकल के आएगा वो आएगा के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए इंटू के बी, यही तो था, पहला काम खत्म हो गया, हो गया। चलो अब बात करते हैं के एच निकालते, रिएक्शन क्या है, सी एस सी सी ओ माइनस प्लस एन एच फोर प्लस एन एच फोर प्लस प्लस एस टू ओ, रिवर्सिबल रिएक्शन, सी एस सी सी ओ एच प्लस एन एच फोर, ठीक है। अब कंसंट्रेशन सी सी ले लें, यहां पर दोनों कंसंट्रेशन, दोनों आयन्स का कंसंट्रेशन सी सी हो गया, यहां कितना हो गया, जीरो, बोलो ठीक है। अब क्या होगा यहां पर, सी वन माइनस एच, सी वन माइनस एच, यहां कितना हो गया, यहां कितना हो गया, क्लियर। अब बताओ के एच इक्वल टू कितना होगा, सी एच इंटू सी एच डिवाइड बाय सी वन माइनस एच, और सी 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 कैंसिल आउट, इसीलिए सी नहीं था वहां पे, और ये नीचे वाला स्क्वायर हट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फाइनली क्या निकल के आएगा, यानी कि के एच इज इक्वल टू क्या आ गया, वेरी गुड, यही तो था दूसरा फॉर्मूला, अपने आप आ रहे हैं फॉर्मूले, फील लो कहां से फॉर्मूले आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सी कट रहा है, समझ में आ गया, नहीं एक बार इसको देख लोगे तो फॉर्मूले कभी भी आपके मिस नहीं होंगे, दिमाग में हमेशा बैठे रहेंगे। दो बातें हो गई, अब आते हैं तीसरी बात। अब देखो तीसरी बात में क्या प्रॉब्लम है, जो पहले वाले और अब में क्या दिक्कत आ गई, पहले वाले में यहां पर एच प्लस एन या ओ एच माइनस एन दिख रहा था, और उससे अपन ने डायरेक्टली यहां सी एच रख रहे थे, याद करो ओ एच माइनस एन इक्वल टू सी एच रख रहे थे, फिर एच की वैल्यू यहां से उठा रहे थे और उठा के के डब्ल्यू के फॉर्म में ले जा रहे थे। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत यह है कि यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, ना तो यहां पर एच प्लस एन है और ना ही यहां पर ओ एच माइनस एन है, तो अब ये क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, एक काम करते हैं हम वीक एसिड को ले लेते हैं, किसको, वीक एसिड को, तो सी एस सी सी ओ एच को हम इसका यहां से डिसोसिएशन कर लेते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे, यहां हो जाएगा सी एस सी सी ओ माइनस, और यहां क्या हो जाएगा एच प्लस एन, आया ना, कोई डाउट यहां तक। अब ये क्या हो गया आपका के ए हो गया ना, तो के ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सोच के देखो यहां कितना होगा सी एस सी सी ओ ओ माइनस, यहां कितना हो गया एच प्लस, यहां कितना हो जाएगा सी एस सी, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाओ, सी एस सी सी ओ माइनस कितना है, सी वन माइनस एच, अरे हाँ है ना, सी एस सी सी ओ माइनस कितना हो गया सी वन माइनस एच, रखो यहां पर सी वन माइनस एच, अब एच प्लस एन को तो एच प्लस एन रहने दो, रख दिया डिवाइड बाई सी एस सी सी ओ एच कितना है, सी एस सी सी ओ एच कितना है सी एच, समझ में आ रहा है, ये अपन ने यहां रख दिया सी एच, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, और वन माइनस एच वन होगा, इसका मतलब फाइनली क्या निकल के आ गया, एच प्लस एन इज इक्वल टू वॉट, एच प्लस एन डिवाइड बाई एच, आया समझ, तो के ए इक्वल टू कितना हो गया एच प्लस एन इंटू एच, यानी कि इसका मतलब एच प्लस एन इक्वल टू कितना हो गया के ए इंटू, वेरी गुड, आ गया। अब जरा एच की बात करते हैं,
ये क्या है, यहां से एच आएगा, अरे आएगा, पकड़ पा रहे हो चीजों को, और के एच बराबर यहां कितना होगा, फिर वापस जाओ, फिर वापस जाओ, बोल भी आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो, अंदर सही सही बात है, अब आया समझ में, ले आए इसको, चलो इसको लेके आते हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ लेके आता है, यही तो है ना, हाँ के ए इंटू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के इंटू की पावर 1/2, और सोचो यहाँ के ऊपर है, ये 1/2 है, अंदर जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर वाला के नीचे वाले के को काट देगा, तो फाइनली निकल के आएगा के डब्ल्यू डिवाइड बाई ओ सॉरी, हाँ हाँ अरे रुक तो जा, मैं बना रहा था, तुम लोगों ने बीच में उड़ा दिया, चलो ऊपर आएगा के डब्ल्यू, ये कहना चाह रहे हो, अब सही है, कितना हो गया, सही है, ठीक है आगे चलो, ठीक है, तो एच प्लस आयर इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के डिवाइड बाई के बी का, तो भैया पी एच बताओ, माइनस लॉग पूरा आ जाएगा के डब्ल्यू इंटू के, अब समझ गए होगे, आगे जाएगा 1/2 माइनस क्या आएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए प्लस प्लस लॉग के बी, ये कितना होता है 14, 14/2 कितना हो गया 7 आ जाएगा, 7 प्लस पी के ए अब आया समझ में, खाना फॉर्मूला, दिमाग चला कि कैसे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, ठीक है, देख रहे हो आप कहां शुरुआत की है, यहां से दोनों आयंस लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं जल्दी देख लो फटाफट, दोनों आयंस लिए, दोनों आयंस से अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया, देन सी वन माइनस एच, वन माइनस एच से सी कट गया, उससे पहले अपन ने क्या किया था, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के, दोनों आयंस जो थे दोनों वीक थे, उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट ले लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट से सॉल्व कर लिया, और फाइनली क्या किया अपन ने, पीएच निकालना, क्योंकि दोनों आयंस में कोई भी स्ट्रांग नहीं था, कोई भी स्ट्रांग आयंस नहीं था, इसलिए मजबूरी में हमें क्या करना पड़ा, एक हमें वीक एसिड लेना पड़ा जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लेना पड़ा, यहां से हमने एच प्लस आयन कैलकुलेट किया और एच प्लस आयन से फाइनली हमने जाकर पीएच निकाल लिया और पीएच निकाल के फाइनली फॉर्मूला आ गया, क्लियर हो गया, तो ये थी आपकी प्रूफ, यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी, ठीक है, चल नोट करो फिर आगे देखो।